हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। तो मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। अगर आप DSSB के रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि जो CTET का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो कल डिजी लॉकर में आ चुकी है, और अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो कर लीजिए, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर किसी साथी को प्रॉब्लम है तो पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसके बाद साथियों, बात करते हैं, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि कल जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी है उसमें कुछ वैकेंसीज निकली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी है उसकी मेन वेबसाइट, उस पर विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, अभी बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आपको बताया गया था कि 26 जनवरी तक कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा, और अभी कुछ रिजल्ट की अपडेट हम देखना चाह रहे हैं कि रिजल्ट आता है नहीं आता है। अगर रिजल्ट में मतलब बहुत ज़्यादा डिले होता है, रिजल्ट बिल्कुल नहीं आते हैं, तो हम कोई स्टेप लेंगे। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, आज मैं अपने साथियों से एक बार बात करूँगा, उनसे डिस्कस करूँगा कि आगे के लिए क्या स्टेप लिया जाएगा, और जो भी स्टेप लिया जाएगा वो आप सभी को बता दिया जाएगा। अगर आपकी जब भी ज़रूरत पड़े तो आप तैयार रहें, ये नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हमारी जो ताकत है वो अधूरी है। तो आपका सहयोग है, वही हमारी ताकत है। तो साथियों, ध्यान रहे, और जो ये स्टेप होगा हमारा, कोई भी स्टेप ऐसे नहीं है कि एक के लिए, PRT के लिए या TGT के लिए, ये सभी के लिए है। और कुछ टाइम पहले NTT के कुछ साथी थे, उन्होंने कहा था कि आप NTT के बारे में नहीं बोलते, तो NTT के बारे में मैंने बहुत बोल रखा है वीडियोज़ में, और मैं बार बार बोलता हूँ NTT के बारे में। तो अभी भी बोल देता हूँ कि NTT वाले जो साथी हैं वो भी तैयार रहें, स्पेशल वाले हैं वो भी तैयार रहें, TGT, PGT जो भी वैकेंसीज थी जिनका रिजल्ट नहीं आया तो वो भी तैयार रहें, क्योंकि DSSB का जो ढुलमुल रवैया है अभी भी जारी है। तो अभी सबसे पहले जो स्टेप होगा हमारा रिजल्ट के बारे में होगा, और रिजल्ट के बाद जो साथी रह जाते हैं इसके बाद हम न्यू वैकेंसीज के लिए स्टेप लेंगे। हालांकि न्यू वैकेंसीज के बारे में सुनने में आ रहा है कि जून जुलाई के आसपास वैकेंसीज आएंगी, जिसमें TGT की जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, PRT और PGT और अदर जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या इतनी नहीं रहेगी। इसके बाद मैं आज आपको शाम को जो हरियाणा के अंदर वैकेंसीज के लिए जो स्टेप लिया गया था उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। तो साथियों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह की अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें और सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है, इसमें आप सभी की ताकत है, जो उससे हमें ताकत मिलेगी, आप सहयोग करेंगे तो ही काम होगा। तो जो भी अभी अपडेट होगा तो आप तैयार रहें, और उम्मीद यही है कि रिजल्ट आ सकता है जल्दी। और अभी कुछ फ्रेंड्स के मेरे पास क्वेश्चन आए थे, कमेंट्स आए थे, पर्सनली मैसेज आए थे, वो बोल रहे थे कि उनके पास मतलब मैसेजेस आ रहे हैं रिजल्ट के लिए। तो आप अपने लॉगिन आईडी में, जो DSSB लॉगिन है, वहाँ पे लॉगिन करके अपनी डिटेल चेक करते रहें। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए और आपको पता भी ना चले। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड मॉर्निंग।